इनमें अब ये देखना कि यूपी के कितने हैं, इस तरह से भी देखेंगे हम लोग। जैसे ये हमारा 130 पुल 130 से 135 वाला है। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ ना सारे बच्चों ने डेटा दे दिया है जो सिलेक्ट होंगे यहाँ। अब एसएसएफ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, चालू कर दी क्या वीडियो, लाइव है? अच्छा, हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आज एक अलग तरह की वीडियो मिल रही होगी आपको, जो नॉर्मली कैमरे और बोर्ड पे होती है उस तरह की नहीं है। हम एक लैपटॉप से लाइव कर रहे हैं, लैपटॉप का ही कैमरा है, अगर क्वालिटी थोड़ी कम आ रही हो तो। और ये है ना, अभी जैसे कट ऑफ की वीडियो तो मैंने आपको बोला था कि 8 तारीख शाम को 8 बजे एग्जैक्ट कट ऑफ की वो बंदे पाएंगे। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एनालिसिस अच्छे से हो जाए और कोई भी बच्चा धोखे में ना रहे किसी भी तरीके से। तो अभी जो डेटा आया है, क्योंकि वो इतना डेटा आ गया है, मेरे ख्याल से हर वो बच्चा जो सेलेक्ट होगा सब ने डेटा दे दिया है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। क्योंकि यहाँ बच्चों ना, यहाँ एक अपने तरह का एक अलग चैलेंज है। यहाँ चैलेंज ये है कि हो सकता है कि भाई देखो, अब 28 राज्य उस हिसाब से कट ऑफ लगनी अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे राज्यों में सटीक बैठे, क्योंकि फिर तो भाई भगवान थोड़ी हैं, इंसान ही हैं हम लोग, अंदाजा ही है एक, चाहे डेटा ही हो हमारे पास तब भी। और स्पेशली ये वहाँ जा कर के आंकड़े पूरी तरह से फेल हो जाते हैं जहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाती हो। और अब हमारे सामने चैलेंज है कि हम यूपी बिहार, जहाँ से 38,000 बच्चों ने यूपी से डेटा दिया है हमें, बिहार से मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि इतने सारे बच्चों ने अलग अलग जगह से डेटा दिया है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहते होंगे सर फेक डेटा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक, हाँ, 1,03,041 ये आप देख पा रहे होंगे, शायद कम थोड़ा सा दिखेगा, मैं यहाँ उंगली लगा देता हूँ, यहाँ भी देख सकते हो। और यहाँ नीचे अगर मैं करता हूँ तो भाई एक सेकंड, बस इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ये आप देखिए, थोड़ा सा लैपटॉप आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, पर ऐसे है, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है 13.9% फीमेल ने डेटा दिया है, 86.1% मेल ने डेटा दिया है। 1,03,000 बच्चों का डेटा आना अपने आप में बड़ी बात है, आज तक 1,00,000 बच्चों का डेटा हमारे पास नहीं आया। ये देखिए, उत्तर प्रदेश ने 39,000 क्या है, एक मिनट, हाँ, यूपी से 39,583 बच्चों का डेटा आया है। अगर आप यहाँ देखें तो राजस्थान, यानी दूसरे नंबर पर बिहार है, 13,157, यानी 12.8% बच्चे ने बिहार से डेटा भरा है। और अगर मैं राजस्थान से बात करूँ, तुम उठ जाओ इसको देख, हाँ अभी बिठा लेंगे, एक सेकेंड, इसको डाउन है क्या? तो ये देखो आप, महाराष्ट्र, राजस्थान से 12,208 बच्चों का, ये लगातार बढ़ रहा है। और भैया राजस्थान का नाम आ रहा है, तो हम परसों जयपुर आ रहे हैं आपके पास 7 तारीख को, तो वहाँ मुलाकात होगी, इनमें से बहुत सारे बच्चे मिलेंगे 12,208 में से। और आगे अगर मैं बात करूँ, सही दिख रहा है बच्चों को, तो यहाँ देखिए पंजाब से भी 1,181 बच्चों ने डेटा दिया है। ये है उड़ीसा का, 1,344 बच्चों ने डेटा भरा है। और महाराष्ट्र से 4,694 बच्चों ने डेटा दिया है। एमपी से 5,461 बच्चों ने डेटा दिया है। यहाँ अगर हम देखें झारखंड, तो काफ़ी, मतलब हर स्टेट से हमारे पास डेटा आया है, और गुजरात से भी इतना डेटा है। ये आप देख रहे हैं आज गूगल फॉर्म कैसे एनालिसिस किया जाता है, मैं सब कुछ आपको दिखाना चाहता था। ये वेस्ट बंगाल देखिए, मतलब अगर हम कहें कि यहाँ इसको बिहार को राजस्थान को छोड़ के फिर अगर कोई बड़ा स्टेट है तो फिर वेस्ट बंगाल है। और ये फिर मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश नहीं, वेस्ट बंगाल 5600 है, एमपी 5400 है, और फिर महाराष्ट्र है। तो काफ़ी बच्चों ने डेटा दिया है। अब मैं कैटेगरी वाइज दिखा देता हूँ आपको, अच्छा इस पे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, सॉरी ये तो स्टेट का था, ये यार माउस ख़राब है तेरा क्या, ये
ये देखिए यहाँ पे बच्चों 51.9% डेटा यानी ओबीसी का, ये है एससी का 18,536 बच्चों का डेटा, जनरल 11,841 और ईडब्ल्यूएस 14,359, एसटी भी 5190 बच्चों का डेटा है, जो काफ़ी अच्छी संख्या है हर कैटेगरी का एनालिसिस करने के लिए। ये आप देखेंगे कि भाई देखो अब यहाँ आपको बराबर बराबर सब दिख रही होंगी, तो इससे पता लगता है कि ये डेटा फेक नहीं है। अगर ये होती तो कोई एक आध बहुत ऊंची उठ जाती बिल्डिंग, है ना। तो देखो बराबर बराबर है हर डेट को, करीब करीब हमें 7-8 हज़ार बच्चों का डेटा मिल रहा है लगभग लगभग। ये एक बहुत छोटा सा एक डेट मिल रही है 30 मार्च, इस दिन हुआ था री एग्ज़ाम, है ना। यहाँ 1108 बच्चों का डेटा मिला है, हालांकि ये हुआ भी कितने बच्चों का था, 16,000 का, उनमें से 1001 भाई 1,000 से ज़्यादा तो सेलेक्ट भी नहीं होंगे 16,000 में से, तो पक्की बात है। तो सेलेक्टेड बच्चे डेटा भर देते हैं, ऑलमोस्ट हर सेलेक्टेड बच्चे का डेटा अब हमारे पास आ चुका है। तो जहाँ इतना यहाँ बैठेगा मेरे ख्याल से उतना ही अब होना चाहिए फाइनली सब कुछ। अगर मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर हाँ शिफ्ट वाइज देखो, ये सटीकता का प्रमाण है कि हर शिफ्ट लगभग बराबर बराबर परसेंटेज रख रही है। देखो करीब करीब 25-25 होना चाहिए था चारों में, चार शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कोई 24.7 है, कोई 24 है, कोई 26.3 है। फेक होता तो ऐसा हो सकता था कोई एक शिफ्ट 50% जा रही है तो लगता, अब यहाँ जेन्युइन डाटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्चुअली डेटा ऐसा हो सकता है कि हमने भी वो छांटे 155 प्लस जो बच्चे मान जिन्होंने दिए ना हमें मार्क्स, हमने सबको फेक माना है। हाँ अभी हम और नीचे आते हैं तो जा दिखाएंगे आपको, भाई आप डेटा भरते हो इसलिए सब कुछ आपको पता होना चाहिए। टोटल रॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा राइट पे जाइए ना यार। ओहो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, तो डेटा ज़्यादा है तो सिस्टम भी हैंग कर रहा है। एक लाख, ये मतलब डेटा बढ़ रहा है, 1,04,140 हो गया, रेगुलर बढ़ता जा रहा है। हाँ ये यहाँ हाँ अटेम्प्ट्स मैं दिखा रहा था, देखिए अटेम्प्ट्स जो है ना, मतलब 30,000 बच्चों ने पूरे 80 में से 80 अटेम्प्ट किए हैं। देखिए टोटल अटेम्प्ट्स क्वेश्चन, ये संख्या आ रही है 30,003, यानी डेटा और बढ़ गया तो 30,000 से, तो यानी 80 में से 80 अटेम्प्ट करने वाले करीब 29% बच्चे हैं टोटल में से, यानी ये बात इन्होंने हमारी मानी होगी मेरे ख्याल से, तभी ऐसा हुआ है। बाकी 79 कितनों ने अटेम्प्ट किया, 78 इतनों ने अटेम्प्ट किया, ये सब की संख्या आ रही है। तो इस बार ये पता लगता है कि बच्चों ने अटेम्प्ट तो ज़्यादातर ने ही पूरा पेपर किया है। ये एकदम से माउस ख़राब चल रहा भाई तेरा, पूरा सिस्टम हिला देता है ये, इसको लगा देना यार माउस इतना। एक सेकेंड बच्चों, आवाज़ सही आ रही है क्या वीडियो में? ठीक है बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब टटरमबाजी हमें पसंद नहीं है, पर आप जो है सीधा हमें कट ऑफ बता दीजिए। तो इतना आसान नहीं होता हमारे लिए भी कट ऑफ बताना, क्योंकि आपको तो एक ही बात फिर लास्ट में कहनी है कि सर ये ऐसा इतनी नहीं जा सकती, ऐसे कैसे चली जाएगी। तो हम ये सब काम करेंगे इस पर डेटा एनालिसिस, हम पिछले साल की भी तुलना करेंगे कि हमारे गूगल फॉर्म से कितना फ़र्क आया था एक्चुअल कट ऑफ में, हम उस बात को भी देखेंगे। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा ताकि हम चीज़ें आपको सटीकता से दे पाएँ, ठीक है। तो ठीक है आ जाओ भाई, तरह ये है टोटल रॉन्ग क्वेश्चन टोटल, अरे यार एकदम नीचे कैसे पहुंच जाता है ये, तुम एक सेकंड करना डेटा यार, बहुत हाँ अपडेट हो रहा है ना डेटा, सही है इस वजह से दिक्कत हो रही है, लगातार डेटा अपडेट होता है। टोटल रॉन्ग को मैं कुछ चीज़ें ही दिखाना चाह रहा था, ये रुक नहीं सकता डेटा आना, ये तो गूगल फॉर्म से है। अच्छा तुम ये दिखाओ, अब छोड़ो इन बातों को, 140 प्लस एक्सेल सीट पे आ जाओ, वहाँ शायद चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। भाई एक बार बच्चों के सामने कैमरा दिखा, चार्जिंग जरूरी है क्या रेगुलर? हद हो रही है तुम, 140 प्लस जो बच्चे हैं वो 3,482 हैं, 140 से 155 लिए, क्योंकि 155 से ऊपर हमने फेक माना है, पर 155 तक मार्क्स हो सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है। तो
वो हालांकि बहुत ही कम बच्चों का डेटा था 155 प्लस, तो ये कितने बच्चे हैं? 3482 दिखाओ कहाँ रही संख्या। अच्छा 3482 बच्चों के 140 प्लस मार्क्स हैं, तो ये हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, इनका एवरेज 140 प्लस वालों का 143.3 है, क्योंकि हमने 140 से 155 तक लिए हैं, तो इस एवरेज अगर 143 आ रहा है तो ज़्यादातर बच्चे 140 के आसपास हैं, इससे पता लगता है। 150 प्लस बहुत ही कम होंगे। चलो हाँ 150 प्लस भी देख लेते हैं, 130 बच्चों की संख्या है 150 प्लस, तो जो हो सकती है, पर जैसे 158.85 मुझे लगता है कि ऐसे मार्क्स बनेंगे नहीं। 151.85 हाँ 151.85 बन सकते हैं क्या ऐसे मार्क्स इस नेगेटिव मार्किंग में? बन सकते हैं सर। चलो आगे आओ, नहीं नहीं बनेंगे, 0.25 के उसमें रेशियो में ही रहेंगे। 130 से 135 के बीच। अच्छा कितने बच्चे हैं? 130 से 135 तक 8318 बच्चे हैं, ये संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है, और आगे दिखाओ वो 135 से 140 के बीच कितना है? 135 से 8000 वो 6200। हाँ ऊपर घटता जाएगा, वो ये 6271 बच्चे हैं, वो 8000 कुछ थे, नीचे आओगे 125 से 130 तो 10 से प्लस मिलेगा मेरे ख्याल से, 9300 नीचे थोड़ा और बढ़ता रहेगा, वो तो जाहिर सी बात है, ऊपर चलोगे थोड़ा कम होता चला जाएगा। 120 से 130 की रेंज ली है हमने पूरी, तो 120 से 130 तक 19000 बच्चा है टोटल, 19079, काफ़ी बड़ी संख्या है, और 140 पे भी पार 3000 बच्चा है, तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे पेपर में यही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर एक आध परसेंट बच्चों ने डेटा नहीं दिया होगा 140 प्लस वालों ने, तो 3000 बच्चे ही ओवरऑल होंगे पूरे पेपर में। अब आप ये मत सोचना कि सर आपको डेटा सबने थोड़ी दिया होगा, ज़्यादा 3 से 4 इतना ही होगा 140 प्लस वाले बच्चों का डेटा। हाँ अभी स्टेट वाइज देख लेते हैं हम कि यूपी में 140 प्लस कितने हैं, थोड़ा ये मेरे को देखना है। यूपी में 140 प्लस 21 तक क्या हो? ओ तेरी, यूपी में ही है क्या सारे के सारे? यूपी में 140 प्लस टोटल 3000 कुछ थे, तो 2151 बच्चा तो यूपी के अंदर ही है जिसके 140 प्लस मार्क्स है। अब इसमें से कुछ फिजिकल में रहेगा वो अलग बात है, बट क्योंकि अगर हम वैकेंसी देखेंगे मेरे ख्याल से 1700-1800 वैकेंसी हैं यूपी के हिस्से में, अगर फीमेल तो अगर मैं फीमेल देखूं 140 प्लस वाली 144 यूपी, हाँ यूपी की फीमेल 140 प्लस वाली 144 हैं, 130 प्लस वाली देखना फीमेल यूपी में। ऐसे बच्चों हम हर स्टेट वाइज ये करेंगे तो आपको पता है ना कितना टाइम लगेगा डेटा में, 734 तो 734 महिलाएँ यूपी के अंदर 130 प्लस मार्क्स कर रही हैं, 734 महिलाएं, जो एक अच्छी खासी संख्या है। ठीक है तो बच्चों इस तरह से हम अपना डेटा लगातार एनालिसिस करते रहेंगे, हम कैटेगरी वाइज भी करेंगे इसको, तो आपको भी पता है कि आप अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो कितना वक्त लगेगा इसमें। ठीक है तो ये समय मांगता है, फिर हम देखेंगे कि कौन सी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट में कौन सी आसान आई है कौन सी मुश्किल आई है, तो उसका भी एवरेज लगाएंगे सारी शिफ्ट वाइज। तो अभी जस्ट मैं ये बता रहा था आपको कि मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूं कि 105,000 बच्चों का लगभग हमारे पास डेटा पहुंच चुका है, और ये एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एक आध परसेंट बच्चों का नहीं कहता, पर जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे इन 25-26,000 जो वैकेंसीज हैं उनका लगभग सबका डेटा अब हमारे पास आ ही चुका है, क्योंकि वो इन्हीं में से सेलेक्ट होने हैं, क्योंकि जिसका नहीं आना नंबर या तो वो जागरूक नहीं होगा, वो नहीं देखता होगा यूट्यूब चैनल्स वगैरह को, और जिसका आना होता है ना तो वो लगातार टच में रहता है सब चीज़ों के, तो वो चाहता भी है कि मेरे को SSF मिलेगी CISF मिलेगी तो मैं अपना डेटा डालूं, तो नंबर आने वाला बच्चा ज़्यादा उम्मीद करके डेटा डालता है, तो मेरे ख्याल से उन सब बच्चों का डेटा मिल चुका है हमें। हालांकि अभी फिजिकल के लिए भी काफ़ी बच्चे पास किए जाएंगे, 25,000 अगर वैकेंसीज हैं तो ये 3,00,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं। बच्चों का डेटा आया 1,00,000 का ही, पर 3,00,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो कितने मार्क्स पे बुलाया जाएगा इस पे भी थोड़ा सा अब हम करेंगे अपना मनन चिंतन जो भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों मिलते हैं फिर इस वीडियो में, बस इतना ही मेरे को आपको बताना था इन सारी चीज़ों को,
ठीक है, ओके, बाय बाय, चलो भाई।